वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। तो दृष्टि का हम लोग कर रहे थे करंट अफेयर, तो आज आगे का करेंगे जो बाकी है नवाचार वैश्विक नवाचार सूचकांक से। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एक क्लास तो लाइव आती थी, आज रिकॉर्डेड मिलेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, जिसमें है वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। विपो द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क और द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एवं ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री की सहयोग भूमिका रही है। स्मृत तथ्य इसमें यह है कि यह जो सूचकांक का 16वां संस्करण है, और इस संस्करण का शीर्षक क्या है, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। वैश्विक नवाचार सूचकांक में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें स्थान प्राप्त हुए हैं, अर्थात इसे विश्व की नवाचारी अर्थव्यवस्था में घोषित किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले पे है, इस शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं, देश हैं स्विट्जरलैंड और स्वीडन, अमेरिका, यूके, सिंगापुर। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूके, सिंगापुर। और सूचकांक अंतिम 5 स्थान पर कौन है, अंगोला, नाइजर, बरुंडी, माली, गिनी। ठीक है, और इन वैश्विक नवाचार सूचकांक में कई माध्यम से निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं अपनी विकास के स्तर में सापेक्ष नवाचार संदर्भ में सापेक्ष से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को इनोवेशन आवर परफॉर्मेंस की संज्ञा दी गई। तो GII 2023 में कुल 21 अर्थव्यवस्थाओं को GII इनोवेशन आवर परफॉर्मेंस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत, मोल्डोवा गणराज्य तथा वियतनाम तीनों लगातार 13वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस घोषित किया गया है। इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की 40वीं रैंक है, और GII 2022 में भी भारत में 40वें स्थान पर रहा था। मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के 7 क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग देख सकते हैं आप। संस्थान में 56 रैंक है, मानव पूंजी 48 और बुनियादी ढांचा 84, और बाजार विशेषज्ञ में उसमें 20 और बिजनेस सोफिस्टिकेशन में 27 है, विज्ञान प्रौद्योगिकी निर्गत में 22 है, और रचनात्मक निर्गत में 49 है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के तहत 2023 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की भी घोषणा की गई। टोक्यो योकोहाम विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर तथा बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई शामिल हैं। और इसमें देखेंगे हम तो इस प्रविधि के अंतर्गत किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्र में विभक्त किया गया है। 18 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मापा गया है। ये 5 क्षेत्र हैं, शिक्षा टीचिंग है, दूसरा है रिसर्च एनवायरनमेंट, और उसके बाद तीसरा है रिसर्च क्वालिटी एंड इंटरनेशनल आउटलुक, और क्या है इंडस्ट्री है 5वां। स्मृति तथ्य इसमें ये है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई। यह इसकी 20वां संस्करण है। 2024 में विश्व के 108 एवं क्षेत्रों के कुल 1904 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई। रैंकिंग में अमेरिका सर्वाधिक 169 संस्थानों को शामिल किया गया है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में लगातार 8वीं बार प्रथम स्थान पर काबिज है। और रैंक देखेंगे, पहला ऑक्सफोर्ड का है, दूसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है, और तीसरा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है अमेरिका का। टाइम्स ऑफ वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है।
रैंकिंग के अनुसार भारत विज्ञान संस्थान बंगलुरु भारत का शीर्ष संस्थान है। इस रैंक में 201 से 250 में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुल 91 संस्थाओं को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त है। तो इसमें देखेंगे टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 5 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। पहले 201 से 250 के बीच में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु कर्नाटक का, 501 से 600 के बीच है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का, फिर 501 से 600 के बीच में जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का, 501 से 600 में है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का, और उसके बाद 501 से 600 में सुलीना यूनिवर्सिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज बझोल हिमाचल प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से दो संस्थान यथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रैंक समूह 601 से 800 में शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल वैश्विक दक्षिण की शुरुआत उन देशों को संदर्भित करती हुई जो औद्योगिक के युग से बाहर आ गए हैं। वैश्विक दक्षिण शब्द का पहली बार प्रयोग 1969 में हुआ था और कार्ल ओग्लेबी द्वारा किया गया था। वैश्विक दक्षिण में मुख्यतः अफ्रीका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन एशिया इसराइल जापान दक्षिण कोरिया को छोड़कर और ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर क्षेत्र शामिल है। वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य उन देशों से जिन्हें विकासशील कम विकसित तथा विकसित के रूप में जाना जाता है। इसमें याद करने योग्य ये है कि 23 सितंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक दक्षिण देशों हेतु एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस सहित समूह भाग लेते समूह प्रमुख लोगों ने भाग लिया। भारतीय संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों में क्षमता निर्माण और विकास को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र तो ये है 5 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आरंभ किया गया। 18-19 सितंबर 2023 को एसडीजी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि 20 सितंबर 2023 को क्लाइमेट एम्बिशन समिट शुरू हुआ। 18 से 26 सितंबर 2023 के बाद यूंगा यूएनजीए की 78वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का मुख्य विषय विश्वास का पुनर्निर्माण और विश्व वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना सभी के लिए शांति समृद्धि प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और उसके सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी लाना है। और ज्ञातव्य कि 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद एवं टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हेतु निर्वाचित हुए थे। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मध्य अमेरिका यात्रा पर रहे हैं। इस दौरान 22 से 26 सितंबर 2023 के मध्य उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ज्ञातव्य कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता कसाबा कोरोसी द्वारा की गई थी। भारत के दो नए विश्व धरोहर स्थल देखेंगे हम तो भी शामिल किया गया उसमें। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 45वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुए। इस बैठकों के दौरान इस समिति द्वारा विश्वभर के कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसमें 42 स्थलों में से 33 सांस्कृतिक स्थल तथा 9 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। इन नए स्थलों को शामिल किए जाने के बाद विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1199 हो गई है। और 1199 स्थलों में से 933 सांस्कृतिक, 227 प्राकृतिक और तथा 39 मिश्रित स्थल हैं। विश्व धरोहर समिति ने 45वीं बैठक के दौरान भारत के दो नए स्थलों को विश्व धरोहर स्थल प्राप्त का दर्जा प्रदान किया गया है। दो नए विश्व धरोहर स्थल हैं, एक शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है, दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर प्रमुख कर्नाटक का। शांति निकेतन को 41वां तथा होयसल के पवित्र मंदिर को 42वां विश्व धरोहर शामिल किया गया है। भारत के कुल 42 विश्व धरोहर स्थलों में से 34 स्थल सांस्कृतिक, 7 स्थल प्राकृतिक एवं 1 स्थल मिश्रित श्रेणी में शामिल हैं। वर्तमान में भारत विश्व धरोहर सूची में शामिल हो स्थलों की संख्या की दृष्टि से विश्व में 6ठे स्थान पर है। इस दृष्टि से इटली 59 विश्व धरोहर स्थल प्रथम स्थान पर है। शांति निकेतन की बात करें तो
शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में एक ग्रामीण स्थान पर स्थित है और एक विश्व प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक एवं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों एवं दर्शन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1991 में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित कर दिया गया है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह, होयसल के पवित्र मंदिर समूह की बात करें तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह एक क्रमिक संपत्ति जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के 3 मंदिर शामिल हैं। और इसमें 3 मंदिरों में से है, एक है चेन्ना केशव का मंदिर बेलूर हासन में, और होयसलेश्वर मंदिर है हाले बिंदु हासन में, और केशव मंदिर है सोमनाथपुर मैसूर में। ठीक है, 12 से 13वीं शताब्दी में निर्मित होयसल के पवित्र मंदिर समूह होयसल राजवंश के शिल्पकारों एवं वास्तुकारों की रचनात्मक एवं कौशल से प्रमाणित करते हैं। चन्ना केशव भगवान विष्णु के रूप में है और यह मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी तक एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। केशव मंदिर एक वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। इस धरोहर स्थल कुल 42 है। क्रम संख्या स्थल राज्य शामिल होने की तिथि देख सकेंगे हम। तो पहला है आगरा का किला उत्तर प्रदेश का 1983 में हुआ था। दूसरा अजंता की गुफा महाराष्ट्र 1983 में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र 1983। चौथा है ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983, और महाबलेश्वर बलीपुरम स्मारकों का समूह तमिलनाडु 1984, और सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है 1984, और गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट है गोवा 1986 का, और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का 1986, और हम्पी से में स्मारकों का समूह कर्नाटक 1986, खजुराहो स्मारक समूह है मध्य प्रदेश 1986 का, एलिफेंटा की गुफाएं हैं मध्य महाराष्ट्र 1987 की, और महाजीवी चोल मंदिर है तमिलनाडु का 1987 2004, और पत्तदकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987 का, और सांची में बौद्ध स्मारक है मध्य प्रदेश 1989 का, हुमायूं का मकबरा दिल्ली है दिल्ली में 1993 का। और यह 16वां है कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में दिल्ली 1993 में, और भारत की पर्वतीय रेलवे है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल नीलगिरी तमिलनाडु कलका शिमला हिमाचल प्रदेश, ये 1999 2005 और 2008 में बना। बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर ट्रामा है बिहार का 2002 में, भीमबेटका के रॉक शेल्टर है मध्य प्रदेश 2003 के, चपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है गुजरात का 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस महाराष्ट्र का 2004 में मिला, और लाल किला परिसर दिल्ली को 2007 में, जंतर मंतर जयपुर को राजस्थान में 2010 में। राजस्थान के पहाड़ी किले हैं चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ और जैसलमेर रणथंभौर आमेर गागरेन राजस्थान का 2013 में, और रानी की वावड़ी पाटन है गुजरात में 2014 में, और नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल बिहार है 2016 में। ली कार्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान चंडीगढ़ 2016 में। 28वां अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात का 2017। 29वां है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स महाराष्ट्र का 2018 में, जयपुर शहर राजस्थान का 2019 में, और 31वां है धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन शहर है गुजरात 2021 में। 32वां काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का 2021 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल अभी शामिल किया गया 2023 का, और होयसल के पवित्र मंदिर है कर्नाटक के 2023 में। और प्राकृतिक स्थल की बात करें तो 35 नंबर पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का 1985 में, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम का 1985 में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का 1987, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1988-2005 में, और पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु का 2012 में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश 2014 का, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है मिश्रित स्थल है ये सिक्किम है 2016 में शामिल हुआ था। I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें जो है निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बात की गई है, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट स्पेस हेल्थ फूड सिक्योरिटी एनर्जी की बात की गई है। स्मृति तथ्य इसमें यह है कि I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया है। I2U2 समूह के देशों द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई। I2U2 समूह का संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्षमताओं संसाधनों विजन की एक उल्लेखनीय अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है।
इस परियोजना के तहत भागीदार देशों के पास मौजूदा अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डाटा और क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। आई2यू2 देशों के पास मध्य संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम आर्टिमिस समझौते के सिद्धांत के अनुरूप है। कहता है कि आई2यू2 समूह में शामिल चारों देश आर्टिमिस समझौते के हस्ताक्षर करता है। कहता है कि 14 जुलाई 2022 को आई2यू2 समूह के सेना अध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया था। भारत कनाडा विवाद, तो इसमें 8 जून 2023 को ओंटेरियो के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक द्वारा एक रैली निकाली गई जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या की झांकी कर आधारित थी। ये झांकी कनाडा के सिख अलगाववादी समूहों द्वारा अपनी वार्षिक परेड के तहत निकाली गई थी, जिसके माध्यम से वे 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरुद्ध अपना प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कनाडा में इस प्रकार की घटना पर आपत्ति जताते हुए इसे भारत कनाडा संबंधों के लिए अनुकूलित नहीं बताया था। और 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निच्चर, भारतीय मूल का कनाडाई सिख जिसे भारत द्वारा आतंकी घोषित किया गया था, ये गुरुद्वारे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कनाडा में। स्मरणीय तथ्य, 18 जून 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने के दौरान सिख नेता हरदीप सिंह निच्चर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। ध्यातव्य की 5 आईज द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा सरकार द्वारा हरदीप सिंह निच्चर की हत्या में भारत की संलिप्तता का दावा किया गया है। कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया गया है और भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या संबंधी मामले में अपनी किसी भी प्रकार की संलग्नता से इनकार कर दिया है तथा प्रक्रिया स्वरूप कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत से निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही भारत में कनाडा पर भारत में पाकिस्तानी अलगाववादी हिंसा के लिए जिम्मेदार कई आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने का आरोप भी लगाया गया है। हाल ही में कनाडा द्वारा भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर वार्ता स्थापित कर दी गई। 5 आईज इंटेलिजेंस की बात करें तो ये क्या है, ये खुफिया गठबंधन है और इस संगठन के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका शामिल हैं। ये राष्ट्र अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु जानकारी साझा करते हैं व खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं। भारत OIML प्रमाण पत्र पर अधिकृत देश बना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है, ये अंतर सरकारी संगठन है और इस संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी। इस OIML का मुख्य कार्य विधि माप विज्ञान द्वारा लीगल मेट्रोलॉजी लेजिस्लेशन में प्रयोग के लिए वैश्विक मानकों का निर्माण करना है। OIML का मिशन देशों को ऐसी प्रभावी विधिक माप विज्ञान संरचना को स्थापित करने में सक्षम बनाना है जो परस्पर संगत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हों। वर्तमान में OIML के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 64 है। स्मरणीय तथ्य है, इसमें 14 सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने विश्वभर में बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाण पत्र अब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, भारत अब ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य और जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देशों के उस विशेष समूह में शामिल हो गया है जो OIML अनुमोदन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत हैं। उल्लेखनीय है, भारत वर्ष 1956 में OIML का सदस्य राष्ट्र बन गया था। और है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, तो इसमें सितंबर 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जारी की गई। इस रैंकिंग में दसवां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में विश्व की कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग के 3 शीर्ष देश कौन से हैं, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड। और तो इसमें है सम्मिलित 64 देशों की सूची में भारत ने 56वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2022 की इस रैंकिंग में भारत 52वें स्थान पर था। एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुल 64 देशों की रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत को 12वें स्थान प्राप्त हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग, तो स्मरणीय तथ्य यह है कि सितंबर 2023 में जारी US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक रैंकिंग के अनुसार यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों का खिताब जीता है। उल्लेखनीय है कि इस सूची में भारत 30वें स्थान पर स्थित है, जो कि
2022 में 21वें स्थान पर था। ध्यात है कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2022 में भी सूची में प्रथम स्थान पर था। इस रिपोर्ट की सूची में कनाडा दूसरे स्थान पर, इसी क्रम में तीसरे स्थान पर स्वीडन तथा चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और इसमें बात करते हैं हम, अमेरिका सूची में 5वें स्थान पर है जबकि 2022 में वो 4थे स्थान पर था। ध्यातव्य की सूची में ईरान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यातव्य की विश्व रिपोर्ट में 27वें देश को शामिल किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 में, तो 2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं का आंकड़ा जारी हुआ है। तो इसमें जो है इस GDP के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है पहला स्थान, और उसके बाद क्रमशः चीन, जर्मनी तथा जापान का स्थान है। GDP के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान है, और इसमें 10 अर्थव्यवस्थाओं का नाम दिया गया है। तो GDP है बिलियन में, और ये है प्रति व्यक्ति GDP USD 1000 में, और RC GDP परसेंटेज देखेंगे आप तो ये इससे की है 26,954, और 80 जो है इसकी GDP प्रति व्यक्ति GDP है, और ये देख सकते हैं रैंक। तो यहाँ पर चीन, यूएसए चीन जर्मनी, जापान, भारत का देख सकते हैं, यूके का, फ्रांस का, और इटली का, ब्राज़ील, कनाडा सबका देख सकते हैं। GDP के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर रूस 11वां स्थान है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 1860 बिलियन US डॉलर है। दिए गए आंकड़ों में स्पष्ट है कि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वार्षिक GDP वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की है, जबकि जर्मनी तथा यूके जैसी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक GDP का परसेंटेज -0.1% और 0.3% है। जार्जिया द्वारा हिंदू विरासत मार्ग घोषित स्मृति तथ्य है, अगस्त 2023 में अमेरिका राज्य जार्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को विश्व विरासत समारोह के रूप में घोषित किया है। और हिंदू अमेरिका समुदाय द्वारा जार्जिया राज्य में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु इस पहल की घोषणा की गई है। अक्टूबर माह में महात्मा गांधी का जन्म तथा प्रमुख हिंदू त्यौहार जैसे नवरात्रि, दशहरा आदि के कारण इसी माह का चुनाव हिंदू विरासत के रूप में किया गया है। जार्जिया उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्व को मान्यता प्रदान की है। इन राज्यों में टेक्सास, ओहियो, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा, मिनेसोटा, वर्जीनिया आदि प्रमुख है। अप्रैल 2023 में जर्जिया में हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें वह ऐसा करने वाला प्रथम अमेरिकी राज्य बन गया है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिरेनी विश्व एक अग्रणी विचार मंच मतलब थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतिक आधार पर किया जाता है। स्मृति तथ्य है ये 17वां संस्करण है। इस सूचकांक में 163 देशों ने भाग लिया है, और सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत 0.42% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है, और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर पर सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की बात हो रही है। तो यहाँ पर शीर्ष 3 राज्य हैं आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, ये सब 1, 2, 3 नंबर पे हैं। सर्वाधिक अशांत देश हैं अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। यूरोप को शांत बताया गया है, जिसमें अभी तक हमें ऐसी लड़ाई होती रहती है। GPI 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर 17वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतपूर्ण देश बन चुका है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें तो स्मृति तथ्य है वैश्विक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट 13वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें है स्वीडन 78 रैंक है और स्कोर है, और डेनमार्क का 76 और नॉर्वे का, मतलब स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे टॉप पर हैं, और यमन जो है 120 स्थान पे नीचे से हैं लोग, 119 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया जो है 118 है। भारत विश्व के 120 देशों में 67वें स्तर पर है। और है सतत विकास रिपोर्ट, तो वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति के प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। ठीक है, और
इसमें 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण है। रिपोर्ट का वार्षिक इम्प्लीमेंटेशन द SDG स्टिमुलस रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। SDG सूचकांक 2023 के अंतर्गत कुल 166 देशों को आच्छादित किया गया है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर, उससे खराब संभावित परिणाम और लक्ष्य के बीच से उसकी स्थिति को अंकित करते हैं। तो इसमें SDG में जो है फिनलैंड टॉप पे है, फिर स्वीडन डेनमार्क है, और 166 पर दक्षिणी सूडान है, मध्य अफ्रीका गणराज्य, फिर चाड है 164 नंबर पे। भारत 166 देशों में से 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का समग्र स्कोर 66.4 है। SDG सूचकांक में ब्रिक्स के देश हैं, पहले नंबर पे ब्राजील है, 5वां रैंक 49 नंबर पे रूस है, 112 पर भारत है, 63 पे चीन है, दक्षिण अफ्रीका जो है वो है 110 नंबर पे। फिर इसमें है नवीनतम मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेरिका लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर है। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल 45 संस्थान शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 भारतीय संस्थान कौन से हैं? तो वह हैं संस्थान IIT बॉम्बे, स्कोर इसका देख सकते हैं, और रैंक है 2024 में 149। 97वें IIT दिल्ली है, और 225 नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु का है, 271 पे खड़गपुर, 278 पे IIT कानपुर। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग, तो ये जो है 11वां संस्करण है, और ये 13वें प्रदर्शन सारे इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ष 2023 में एशिया महाद्वीपों के 31 क्षेत्रों के 2669 शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय की रैंकिंग प्रदान की गई है। जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय सूची में शामिल है। चीन 95 विश्वविद्यालय संस्थाओं के साथ दूसरे तथा भारत 75 विश्वविद्यालय के साथ तीसरे स्थान पर है। सूची में 13 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। पहला है सिद्धुआ विश्वविद्यालय चीन का पहले नंबर पे है, और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का दूसरे पे है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। रैंकिंग 2023 में 100 शिक्षण संस्थानों में से भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। रैंकिंग 2023 में शीर्ष 3 भारतीय संस्थान हैं, तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु है, 48वां रैंक है, और जो JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटक में 68 नंबर पे है। सुलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश 77 नंबर पे। कास्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग है, तो ये मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में 5 महाद्वीपों में 227 शहरों को शामिल किया गया। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के आधार पर बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया। सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क से की जाती है। स्मृति तथ्य मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में रहने तो सबसे महंगा शहर है, और रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष शीर्ष 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर हांगकांग और सिंगापुर एशिया के हैं। इसके विपरीत विश्व के 2 सबसे सस्ते सबसे महंगे शहर हैं एशिया में। दो शहर पाकिस्तान स्थित कराची एवं इस्लामाबाद 226-227 नंबर पर, कराची इस्लामाबाद। इस सूचकांक भारत 7 शहरों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो इसमें रैंक है 147-127 मुंबई का, महाराष्ट्र का, और 2023 की देखते हैं तो ये है 169 और नई दिल्ली का, और 184 चेन्नई का जो कि 177 था, 189 बेंगलुरु का कर्नाटक का, 202 है हैदराबाद का, तेलंगाना का, 211 कोलकाता पश्चिम बंगाल का, 213 पूरे महाराष्ट्र का। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग क्या है? 30 नवंबर 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड का वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर एवं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर हैं, जबकि दशमिक को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। और अगला क्या है? तो इसमें विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 सस्ते शहरों में से 2 भारतीय शहर यथा चेन्नई और तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया। 163 नंबर पर चेन्नई है और 166 नंबर पर अहमदाबाद है। यद्यपि की सूची में 173 शहरों को शामिल किया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया जाता है। सूचकांक में 173 शहरों को शामिल किया गया है। वियना ऑस्ट्रिया को सूचकांक में लगातार दूसरे बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुए हैं। कोपेनहेगन डेनमार्क और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया गया। नागरिक अशांति और शहरों संघर्षों को कारण दशमिक तो सूचकांक को अंतिम स्थान प्राप्त किया गया। सूचकांक में 5 भारतीय शहरों में शामिल किए गए हैं।
147 नंबर पर दिल्ली है, 147 मुंबई है, 144 पे चेन्नई, 147 अहमदाबाद है, और 148 पे बंगलुरु है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो इसमें है यह रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने हेतु दिशा में की गई प्रगति का मापन करना है। स्मरणीय तथ्य है 20 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 17वीं विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल इम्पावरमेंट। तो इस रिपोर्ट में 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 में वैश्विक लैंगिक अंतराल का स्कोर 68.4% है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष 9 देशों यथा आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारगुआ, नामीबिया, लिथुआनिया ने न्यूनतम 80% तथा लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 3 देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, और वैश्विक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन में 146 अफगानिस्तान, 147 चाड है, 146 अल्जीरिया है। और भारत ने अब तक अपने 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया। भारत पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों के सुधार के साथ 127वें स्थान पर है। यद्यपि कि वर्ष 2022 में 146वें स्थान पर था, 135 में और 146 में 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर था पिछले साल, अब 127 स्थान पर है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023, तो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक ईयर बुक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक इस रैंकिंग के 34 संस्करण को प्रकाशित किया जा चुका है। तो 20 जून 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग के 35वें संस्करण को जारी किया गया। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र संकलित किया जाता है। इस वर्ष रैंकिंग 336 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं को सर्वेक्षण किया गया है। और इसमें देखेंगे हम तो WCR मतलब द्वितीय शीर्ष देश कौन है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और अंतिम है वेनेजुएला, अर्जेंटीना, मंगोलिया। भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए 64.63 स्कोर के साथ 40वां स्थान प्राप्त किया है। एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों में भारत की रैंकिंग 12वीं है। पिछले वर्ष यह रैंकिंग 11वें स्थान पर थी। सीरिया की बात करें, अरब लीग में पुनः शामिल। अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स LAS भी कहा जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों को एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन तो पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है। यह 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में इसका गठन किया गया था। वर्तमान मिस्र में 22 अरब देश हैं, तो वो कौन से हैं, अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मारितानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, मालिया, सूडान, सीरिया, न्यूट्रेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। स्मृति तथ्य है, 2023 को अरब लीग ने सीरिया को पुनः संगठन में शामिल किया। गौरतलब है कि सीरिया को इस संगठन में 12 वर्ष के बाद शामिल किया गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शन पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद 2011 में सीरिया अब अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था। सीरिया संकट के समाधान में मदद करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, इराक और अरब हिंद लीग के महासचिव शामिल होंगे। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जो है 19 मई 2023 को जिद्दा सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा जेद्दा घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद वर्ष 2023 में पहली बार सीरिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो ये ऑपरेशन करूड़ा, तो म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भू सीमा साझा करता है। स्पष्ट है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट इंडिया नीति के प्रतिच्छेदन पर स्थित एकमात्र देश होने के कारण यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति का एक मूल तत्व है। स्मृति तथ्य, 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करूड़ा प्रारंभ किया। यह ऑपरेशन मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के 3 पोत INS शिवालिका, INS कोमोर्थो और INS सावित्री पहले दस्ते में शामिल थे। इस पोतों के माध्यम से 40 टन से अधिक राहत सामग्री को म्यांमार को भेजा गया। 19 मई 2003 को INS घड़ियाल चिकित्सा आपूर्ति में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव आई ड्राप्स और जलजनित और महामारी संबंधी बीमारी हेतु
उपयोगी विविध दवाओं आदि को समय मार पहुंचाया गया। विश्व प्रेस सूचकांक 2023 की बात करें तो पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। गौरतलब है कि सूचकांक में वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 3 मई 2023 को विश्व प्रेस सूचकांक का 21वां संस्करण जारी किया गया और 2023 के सूचकांक नॉर्वे को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तरी कोरिया को 21.72 स्कोर के साथ 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में 36.62 स्कोर के साथ 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और विदित हो कि वर्ष 2022 के सूचकांक में 150वें स्थान पर था। और नवीनतम सूचकांक में 5 नए संकेतकों के आधार पर भारत के देश हैं। राजनीति में 159, आर्थिक में 155 और विधिक में 144, सामाजिक संस्कृति में 143 और सुरक्षा में 172। वैश्विक दासता सूचकांक, तो हाल ही में वॉक फ्री फाउंडेशन नामक संगठन द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक जारी किया गया है। सूचकांक के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों में आधुनिक दासता के प्रसार का मापन किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता की स्थिति में थे, जबकि आधुनिक दासता की स्थिति में निवासित महिलाओं एवं लड़कियों की संख्या लगभग 54% है। भारतीय तथ्य है, रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 3 देश जिनमें आधुनिक दासता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक निम्नवत है। पहला है भारत 11 मिलियन, चीन है 5.8 मिलियन और उत्तर कोरिया है इतना 2.7 मिलियन। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में 160 देशों की सूची में उत्तर कोरिया 6 स्थान पर, सूचकांक में स्विट्जरलैंड अंतिम स्थान पर है, तो उत्तर कोरिया टॉप पर है, अफगानिस्तान और म्यांमार और भारत 6वें नंबर पर। विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं। अप्रैल 2023 को एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड ने वर्ष 2022 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। वर्ष 2022 में विश्व की 10% वैश्विक यात्री यातायात इसी इन्हीं सबसे व्यस्त 10 हवाई अड्डों में संपन्न हुआ। स्मरणीय तथ्य, कुछ यात्री आगमन के मामले में यूएसए का अटलांटा हवाई अड्डा शीर्ष पर है। भारत का नई दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है 9वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आवागमन के मामले में यूएई का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। कार्गो यातायात के मामले में हांगकांग का हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। विमान आवागमन के मामले में यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक विद्युत समीक्षा। तो इस रिपोर्ट का प्रकाशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर द्वारा किया जाता है। वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह 4था संस्करण है। इस रिपोर्ट में 78 देशों के विद्युत संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। स्मरणीय तथ्य, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित 3 क्षेत्रों पर अध्ययन किया गया है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक जनरेशन और वैश्विक विद्युत मांग, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन, ग्लोबल पावर सेक्टर इमिशन। वैश्विक विद्युत उत्पादन में अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है, जिसमें वर्ष 2022 में कुल विद्युत उत्पादन में 61% का योगदान है। वैश्विक विद्युत उत्पादन में कोयला 36% और जीवाश्म गैस 22% और अन्य जीवाश्म 3% का योगदान करते हैं। स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत जल ऊर्जा का है, जिसका योगदान 15% और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत परमाणु ऊर्जा का, जिसका योगदान 9% है। सर्वाधिक विद्युत मांग करने वाले देश हैं चीन, अमेरिका, भारत। और विद्युत क्षेत्र में सभी ऊर्जा क्षेत्रों में सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक यह है और यह कुल वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जनों के लगभग 40% के लिए उत्तरदायी है। शीर्ष 3 CO2 उत्सर्जक देश हैं चीन, अमेरिका, भारत। और सबसे ज़्यादा चीन है, फिर अमेरिका, फिर भारत है अपना। और अब टाइम्स 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 की बात करें तो ये टाइम्स मैगजीन द्वारा 2023 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में 20वां संस्करण है। स्मरणीय तथ्य यह है कि कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं और प्रवर्तक श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति हैं किलियन एम्बाप्पे तथा इगा स्विटेक हैं। असाधारण व्यक्ति टाइटन्स में श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति पद्य लक्ष्मी, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, अभिनेत्री, मॉडल एवं टेलीविजन होस्ट एलन मस्क, लियोनेल मेसी आदि हैं। नेता में श्रेणी में 20 लोग शामिल हैं, जिनमें से एलेना जेलेस्का जो यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी हैं, जो ब्रिटेन अमेरिका राष्ट्रपति, और बोला अहमद टूनुथु नाइजीरिया के राष्ट्रपति, और जेनेट एलेन अमेरिकी वित्त मंत्री और आदि प्रमुख व्यक्ति के रूप में शामिल हैं। आइकॉन श्रेणी में कुल 15 लोगों ने स्थान लिया है, जिनमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान भी शामिल हैं। मार्गदर्शक की बात करें, जिस श्रेणी में
भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजा मौली को शामिल किया गया है, नाटो का 31वां सदस्य। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप एवं उत्तर अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई। इस संधि को वाशिंगटन संधि को लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। इसके पूर्व उत्तरी मेसिडोनिया वर्ष 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो मुख्यालय में अमेरिका को उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हुई है। ज्ञातव्य कि स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और निकट भविष्य में यह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। ज्ञातव्य कि 4 भागीदार देशों में नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की गई है। यह देश है बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। ज्ञातव्य कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान शामिल हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, तो वर्ष 2022 में 12 में पहली बार विश्व प्रसन्नता वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड द्वारा डाटा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य है 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। वर्ष 2023 में 11वां संस्करण जारी किया गया। रिपोर्ट 6 कारकों पर आधारित है। कारक याद कर लीजिए, यह है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस एंड जेनरोसिटी, उदारता और भ्रष्टाचार परसेप्शन फॉर करप्शन। इस रिपोर्ट में 137 देशों को रैंक प्रदान की गई। WHR में लगातार 6वीं बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है। सबसे कम प्रसन्न देश में अफगानिस्तान, लेबनान, सियेरा लियोन। तो WHR 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय के WHR में भारत का 136वां मतलब 3.77 का स्कोर था। तो लद्दाख का मयूरभंज टाइम्स पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल। 16 मार्च 2023 को टाइम्स पत्रिका में 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के 2 स्थल केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले को सभी शामिल किया गया। 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल के रूप में चिन्हित किया जाता है। स्मृति तथ्य, मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क के काले बाघ पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी एवं बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाव नित्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू प्रदेश तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य जो है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हल्ले गाँव में स्थापित किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण जारी किया गया है। स्मृति तथ्य है, सूचकांक में 163 देशों में से आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। 2021 के बाद 2022 में भी इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह था। गौरतलब है कि भूटान, चीन, कुवैत, ओमान और सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को सोने स्कोर के साथ आतंकवाद के अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें अफगानिस्तान है, बुर्किना फासो, सोमालिया है, ये शीर्ष स्थान जहाँ पर आतंकवाद ज़्यादा है। फिर नीचे से जहाँ पर कम है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारत 37वें स्थान पर हासिल किया गया है। ठीक है, भारत का तो ब्रिक्स देशों की बात हो रही है। ब्रिक्स देशों में 25वें स्थान पर ब्राज़ील है, 85 और 43 रूस है, 93 स्थान पर भारत है और 93 स्थान पर चीन है। मतलब भारत को भी बहुत ज़्यादा आतंकवादी में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022, 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ ट्रेंड इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 2018 से 2022 की प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में 2013-14 की कुल तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है।
मेरी तथ्य है 2018 से 22 की अवधि में विश्व के पांच सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र में पांचों देश 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के निर्यात की 76% के लिए उत्तरदायी हैं। और 2018-22 की अवधि में विश्व के पांच सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश हैं भारत, सऊदी अरब, कतर और ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो यहाँ भारत ज़्यादा शस्त्र लाए जाते हैं, भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। संयुक्त राष्ट्र में पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के आयात में 36% हिस्सेदारी मतलब इस हिस्से की उत्तरदायी है। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे कम बड़ा आयातक है। और रूस जो है 2018-22 में विगत वर्ष की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 45% है। स्मृति तथ्य है 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजिल्स की 95 अकादमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। 2022 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों हेतु इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया है। 95 ऑस्कर पुरस्कार हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए थे। डेनियल क्वान और डेनियल स्क्रीनार्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सर्वाधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किया है। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित एक अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर सुपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी के फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्क्रीनार्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल यो को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इन वंस फिल्म में शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया गया। मिशेल योम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं। अमेरिका साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। आल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा है जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक कार्तिका गोसाल्वेस और निर्माता गुनीत थोंगा ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटू नाटू गीत के संगीतकार MS किरावानी और गीतकार चंद्रा बोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। इस गीत के गायक राहुल सिंपलीगंज का काल भैरव है एवं काल भैरव है। नाटू नाटू किसी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ भौगोलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर NTR द्वारा फिल्माया गया था। उल्लेखनीय स्थिति में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू विजेता घोषित किया गया था। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में शॉर्ट लिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही है। यह ऑस्कर जीतने में चूक गई। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में प्रतिस्पर्धा है तो पैन नालिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म छेलो सो भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। छेलो सो ऑस्कर पुरस्कार हेतु शॉर्ट लिस्ट की 15 फिल्मों में चयनित हुई थी लेकिन यह अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। 95 ऑस्कर पुरस्कार में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं उद्घोषकों में शामिल रहीं। ध्यात थी कि ऑस्कर मंच पर पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री पार्सिस खंबाटा थी। 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा थी। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 विश्व के विभिन्न देशों में के समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगास्टम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि एवं मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देती है। स्मृति तथ्य 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक 16वां संस्करण था। विश्व समृद्धि सूचकांक का 8 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्र 12 स्तंभों और 67 तत्वों और 300 संकेतकों के आधार पर आधारित है। 2023 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है जबकि दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान पर है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 में भारत को 103 स्थान प्राप्त हुआ है जबकि किसमें लेगाटम में 103 प्राप्त हुआ है जबकि 2022 में 100वां स्थान था। इस सूचकांक में पश्चिमी यूरोप विश्व का सबसे सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र रहा है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 1995 में प्रकाशित आर्थिक सूचकांक मतलब इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक का 29वां संस्करण इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों की स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 4 देश सिंगापुर स्विट्जरलैंड आयरलैंड ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है। इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 50.59 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा गया है। भारत ब्राजील एवं रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्था इसमें शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र गैर अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर द क्लाइमेट में शामिल है। तो क्या हुआ, 22 फरवरी 2023 को भारत के आशय पत्र हस्ताक्षर कर में शामिल हुआ है। भारत आबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान M4C में शामिल हुआ है। वर्तमान में M4C में 55 सदस्य हैं और उल्लेखनीय कि 8 से 10 2023 के मध्य मई में M4 क्लाइमेट समिट में अमेरिका की मेजबानी करने में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। अब हम पढ़ेंगे आगे, रात को करेंगे क्लास अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से आगे। तो मिलते हैं रात को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।